गुड मॉर्निंग दोस्तों, ओम शांति। दोस्तों, अगर आज आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है ना, तो उदास मत होइए। भगवान के फैसले पर यकीन रखिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि अभी जीवन में कुछ गलत हो रहा है तो समझ जाइएगा कि परमात्मा आपकी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बना रहे हैं। खुश रहिए, परमात्मा पर यकीन रखिए, मेहनत के साथ कुछ बेहतर करने की शुरुआत अभी से कर दीजिए। इसी संबंध में कहानियाँ जो शेयर कर रही हूँ कि एक गांव में एक व्यक्ति था जिसके पास चार बेटे थे। चारों ही बहुत छोटे थे और उनकी माता की कुछ वक्त पहले ही मृत्यु हुई होती है। व्यक्ति काफ़ी गरीब होता है और जैसे तैसे करके अपने बेटों को पाल रहा होता है, लेकिन बीमारी की वजह से उस व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाती है और उन चारों को पालने वाला कोई नहीं होता। एक दूसरे गाँव के व्यक्ति को जब ये घटना पता चलती है तो वो कहता है, परमात्मा आपने दुनिया तो बना दी लेकिन आपको दुनिया चलानी नहीं आती। आप उन लोगों की उम्र और बढ़ा रहे हैं जो अपना जीवन जी चुके हैं, और ऐसे मासूम बच्चों के पिता को आपने उनसे अलग कर दिया। ये कैसा इंसाफ है परमात्मा? व्यक्ति कई दिनों तक परमात्मा को कोसता रहा। फिर उस व्यक्ति ने सोचा कि मुझे उन बच्चों की मदद करनी चाहिए। व्यक्ति उन बच्चों से मिलने उनके गांव निकल पड़ता है। व्यक्ति जब उन बच्चों के घर पहुंचता है तो बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा होता है और घर पर ताला लगा होता है। व्यक्ति बुजुर्ग से पूछता है, मैंने सुना था यहाँ वो चार बच्चे रहते हैं जिनके पिता की मृत्यु हो गई थी, सच में परमात्मा ने उनके साथ गलत किया? बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, वो चारों बच्चे अब यहाँ नहीं रहते। इस गांव के जो राजा थे, परमात्मा ने उनको एक भी पुत्र नहीं दिया था। इसी वजह से राजा भी काफ़ी दुखी रहते थे कि परमात्मा ने मुझे कोई पुत्र नहीं दिया। जब राजा को इन बच्चों के बारे में पता चला तो वे तुरंत आकर इन चारों को ले गए और राजा ने ऐलान भी कर दिया कि मेरी मृत्यु के बाद ये चारों ही मेरा राजपाट संभालेंगे। बुजुर्ग व्यक्ति उस व्यक्ति से कहता है, तुमने आते ही ये कहा कि परमात्मा ने उनके साथ गलत किया, ये तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। परमात्मा व्यक्ति का भला चाहते हैं। भले ही जिस वक्त हमारे जीवन में कुछ गलत हो रहा होता है तो हमें लगता है कि परमात्मा गलत कर रहे हैं, लेकिन असल में वे हमारी मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता बना रहे होते हैं। तो दोस्तों, कभी आपको लगे कि असफलता मिल रही है, गलत हो रहा है मेरे साथ, तो यही विश्वास करें कि परमात्मा आपके लिए रास्ता बना रहे हैं और अभी ये समय सही नहीं है। मेहनत करते रहेंगे तो मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। आपकी सफलताओं की कामना करते हुए आज के विचार मेरे अनुसार, जीवन में यही देखना महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन हमसे आगे है या कौन हमसे पीछे, यह भी देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ है और हम किसके साथ। तो अपना अच्छा साथ देते रहें और दूसरों का अच्छा साथ लेते रहें। किसी ने पूछा, जब कणकण में परमात्मा है तो मंदिर क्यों जाते हैं? बहुत ही सुंदर जवाब, हवा तो धूप में भी चलती है पर आनंद छाव में बैठकर ही मिलता है। वैसे ही परमात्मा सब तरफ है पर आनंद मंदिर में बैठकर ही आता है। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आप ये मत सोचें कि आपकी कोई कीमत नहीं। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। तो इंतजार करते रहें और मेहनत करते रहें। छोटी सी मछली पानी के उल्टे बहाव में भी आगे निकल जाती है, जबकि एक बड़ा हाथी तक उस बहाव में बह जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मछली पानी की शरण में है। ऐसे ही जो परमात्मा की शरण में है वे विपरीत परिस्थितियों में भी संसार रूपी सागर से पार कर जाते हैं। दोस्तों, सभी को साथ रखें, लेकिन साथ में कभी स्वार्थ न रखें। गलत सोच व अंदाज़ा इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देता है। समय व स्थिति कभी भी बदल सकते हैं दोस्तों, अतः कभी किसी का अपमान न करें व किसी को कम न समझें। आप सक्षम हो पर समय आपसे भी अधिक सक्षम है। सुबह उठकर रोज परमात्मा से कहें, हे परमात्मा, आपका कुछ तोड़ने का मन करें तो मेरा गुरूर तोड़ देना। आपका कुछ जलाने का मन करें तो मेरा क्रोध जला देना। आपका कुछ बुझाने का मन करे तो मेरी घृणा बुझा देना। आपका कुछ मारने का मन करे तो मेरी इच्छा को मार देना। आपका प्यार करने का मन करे तो मेरी ओर देख लेना। मैं शब्द आप अर्थ, आप बिन मैं अवर्थ व्यर्थ। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर कर मर जाए ना दोस्तों, तो समझिए खेल खत्म। हम कल गलत कल भी नहीं थे और आज भी नहीं है। बाकी सबकी अपनी सोच है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, बट बस अपने आप को सही रखें। कौआ किसी का धन नहीं चुराता फिर भी लोगों को वह प्रिय नहीं। कोयल किसी को धन नहीं देती फिर भी लोगों को प्रिय है। फर्क सिर्फ मीठी बोली का है,
जिससे सब अपने बन जाते हैं। तो अपनी बोली को हमेशा मीठा बनाइए और सबके हो जाइए। कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है दोस्तों, कदर मौत की नहीं सांसों की होती है दोस्तों। प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, पर कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है दोस्तों। तो इसी तरह पॉजिटिव बनकर विश्वास जीतते जाइए और ज़िंदगी का मज़ा लेते जाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। ओम शांति।